बेनजीर हूं और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि आप हमारी रेसिपीज इंशाल्लाह पसंद करने वाले हैं कुकिंग विद बेनजीर सिर्फ नहीं जज्बात भी असलकम आज हम कोफ्ता कढ़ाई बनाएंगे उसके लिए हमने एक चॉपर ले लिया है आप चॉपर के बदली मिक्सर ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें थोड़ा हरा धनिया डालेंगे तकरीबन एक चौथाई कप एक चौथाई कप से थोड़ा ज़्यादा पुदीना पाँच से छः हरी मिर्चियाँ आपके घर में जितना तीखा खाते हैं वो हिसाब से एडजस्ट करें एक छोटा प्याज लेकर हमने इस तरह से स्लाइस कर ली है ये भी डाल देंगे हम पहले इन चीज़ों को ग्राइंड करने वाले हैं इन चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया इसके बाद हम इसमें कीमा डालेंगे तकरीबन 300 ग्राम कीमा यूज़ किया हमने मटन का वॉश करके अच्छी तरह सुखा लिया और कुछ चीज़ें मिलाएंगे। नमक एक टीस्पून, स्पून एक टी गर्म मसाला पाउडर एक टीस्पून भरकर चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें हमने एक टीस्पून धनिया और एक टीस्पून जीरा लेकर दरदरा सा क्रश कर लिया ये भी डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट ये हम एक टी स्पून यूज़ करें ये भुने चने हैं इनका हमें पाउडर कर लेना है ये हम दो टेबल स्पून भर कर यूज़ कर रहे हैं ये पाउडर भी डाल देंगे अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा बेसन को भून करके डाल दें ये ही दो टेबल स्पून के करीब कीमे के साथ सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे आप चाहें तो ये सारी चीज़ें मिक्सर ग्राइंडर के जार में भी कर सकते हैं अच्छी तरह हमें कीमे को बारीक सा ग्राइंड करना है एक टीस्पून लेमन जूस भी डालेंगे एक टीस्पून घी भी डालेंगे यहाँ आप चाहें तो ऑयल या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इससे थोड़े हमारे कोफ्ते नरम बनेंगे अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिलाकर हम रख देंगे आधे घंटे के लिए अगर टाइम ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा रख दें थोड़ी देर रख देने से बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा कोफ्ते का आधा घंटा मैरिनेट करने के बाद हमने इसके बॉल्स बना लिए हैं तकरीबन हमने 16 कोफ्ते बना करके तैयार कर लिए हैं हमने चार टेबल स्पून ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है उसमें खड़े मसाले डालेंगे एक बड़ी इलायची तीन छोटी इलायची दो पीस दालचीनी और तीन लौंग हम इसमें एक टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे और अच्छी तरह से अदरक लहसुन को भून लेंगे चलाते हुए दो मिनट भूनेंगे फ्लेम को लो रख के अदरक लहसुन को अच्छी तरह से हमने भून लिया इसमें कुछ मसाले डालेंगे हम यहाँ दो टीस्पून धनिया पाउडर एक टीस्पून मिर्ची पाउडर एक टीस्पून स्पून चिली फ्लेक्स एक टीस्पून ज़ीरा पाउडर एक चुटकी हल्दी और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं मसाले डालें तब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें मसाले जल सकते हैं मसाले डालने के बाद हमने तुरंत थोड़ा पानी डाल देना है इसमें तकरीबन एक टेबल स्पून पानी ताकि मसाले जले नहीं सेफ साइड के लिए मसालों को हमें दो से तीन मिनट भून लेना है लेकिन यहाँ हमें ज़रूरी लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जैसे हम डालते जा रहे हैं मसाले अच्छी तरह से भुना गए हैं हम इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे दो मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर हमने मिक्सर में अच्छी तरह से ग्राइंड किया तकरीबन एक टीस्पून नमक भी डालेंगे कोफ्तों में भी हमने एक टीस्पून के करीब नमक डाला था अभी भी डाल रहे हैं अच्छी तरह से मिलाकर फ्लेम को हाई करेंगे इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे इसमें जब अच्छी तरह से बॉईल आएगा हम फ्लेम को लो करके इसे सात से आठ मिनट पकाएंगे टमाटरों का कच्चापन खत्म होने तक हमने सौ ग्राम दही ले ली है जिसे बीट किया है ये तकरीबन आधा कप है हमने तली हुई प्याज भी ली है ये तकरीबन वन थर्ड कप है अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो आप एक बड़ा प्याज लेकर उसे फ्राई कर लें और फिर मिक्सर में इसे ग्राइंड कर लें जैसे हमने किया है एक बड़ा प्याज काफ़ी है आप छोटे यूज़ कर रहे हैं मीडियम तो दो कर लें और अगर हमारी तरह तली हुई प्याज यूज़ कर रहे हैं तो तकरीबन वन थर्ड कप करें ये दोनों चीज़ों को हम मिक्स करके तैयार रखेंगे और चेक करेंगे टमाटर गल गए कि नहीं आठ से दस मिनट तक हमने अच्छी तरह टमाटरों को पकने दिया सारे मसाले आपस में भुना गए हैं बहुत अच्छी तरह हम अब इसमें कोफ्ते डाल देंगे एक एक करके ध्यान से कोफ्तों को हमने ध्यान से इसमें डाला फ्लेम को मीडियम रखा है बस थोड़ी थोड़ी देर से ऐसे चलाएंगे ताकि कोफ्ते टूटे नहीं अच्छी तरह से इस तरह हमने चलाया फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे पाँच से छ मिनट पकाएंगे। पाँच से छः मिनट तक हमने पकाया हम अब आसानी से कोफ्तों को चला सकते हैं क्योंकि ये पक गए हैं थोड़े थोड़े अच्छी तरह से हमारे जो कोफ्ते हैं वो भुना गए हैं मसालों के साथ हम अब इसमें ग्रेवी बना लेते हैं हमने इसमें तकरीबन वन एंड हाफ़ कप पानी डाल दिया है ये तीन सौ पचास से चार सौ के करीब होगा जो दही और बिरिस्ते का मिक्सचर हमने तैयार किए थे उसे भी डालेंगे हल्के हाथों से चलाएंगे फ्लेम को हमने हाई किया है इसमें अच्छी तरह से उबाल आने के बाद हमें फ़्लेम को लो करना है और इसे कम से कम दस से बारह मिनट लो फ्लेम पर पकाना है 10 से 12 मिनट तक हमने अच्छी तरह से फ्लेम को लो करके पकाया खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ये जो ग्रेवी है बिल्कुल परफेक्ट बनी है इसे हम राइस से भी खा सकते हैं पराठे से रोटी से नान से सभी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है खाने में थोड़ी देर हम रख देंगे तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा तो ये अभी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है गर्म मसाला पाउडर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी हाफ टी स्पून जो ऑप्शनल है आप ना चाहें तो बिल्कुल ना डालें दो हरी मिर्चें इस तरह से साबुत डाल दी हमने बस ये तीन चीज़ें डालने के बाद हम इसे चलाएंगे और आधी से एक मिनट पकाएंगे और फिर फ्लेम को बंद कर देंगे फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसे रेस्ट करने देंगे कम से कम पाँच से सात मिनट उसके बाद सर्व करेंगे तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने कोफ्ते बनाकर तैयार कर, कर लिए ये कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं और आपको इन्हें पहले फ्राई करने की झंझट भी नहीं है तो आप भी इसी तरह से कोफ्ता कढ़ाई बनाएं और हमें ज़रूर से बताएं कैसी बनी उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी तो इनशाला मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज